Assalamu alaikum dear students, how are you all? I hope you all are very much fine and are very happy at your home. Dear students, once again welcome to the online class. Subject SST, it's your teacher Ms. Farah here. Dear students, today we are going to study Unit 9, Geography, Lesson 21, Water. Dear students, open your book, open Unit 9, start reading. Water. So dear students, as you know that water is very important for all living things. It is an essential part of our life. जैसे कि students, आपको पता है पानी हमारी जिंदगी में कितना important है. क्या हम पानी के बगैर जिंदा रह सकते हैं? नहीं. पानी इंसान, जानवर, जितने भी living things हैं उनके लिए बहुत जरूरी है. और हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज़ में हमें पानी की ज़रूरत होती है. पानी को हम ड्रिंक करते हैं, पीते हैं, कुकिंग में, बाथिंग में, वॉशिंग में, सारी चीज़ों में हम पानी का यूज़ करते हैं. सो इट इज़ वेरी मच इसेंशियल फॉर आवर लाइफ. वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग थिंग्स. वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर. वेयर डज वाटर कम फ्रॉम? सो डियर स्टूडेंट्स, As you know, water is very important for all living things. We cannot live without water. हम पानी के बगैर रह भी नहीं सकते. पानी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए. लेकिन क्या आपने कभी सोचा that where does water come from? पानी आता कहाँ से है हमारे पास? The diagram below shows the water cycle. So dear students, in your book you can see the diagram of water cycle, that where from the water come to us. Here you can see water cycle. First of all, dear students, open your book page in which water cycle is drawn. I hope you all are seeing the picture of water cycle. Okay, start reading. The water in seas, lakes and rivers. Dear students, पानी जो समंदर, नदियाँ और दरियाओं का जो पानी होता है get heated by the sun. Students, diagram में जो show किया गया है अभी हम उसको read करेंगे. जो हमें diagram में बताया गया है इस paragraph में हमें वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी. So start reading. The water in seas, lakes and rivers get heated by the sun. पानी जो होता है दरियाओं, नदियाँ और समंदरों में वो sunlight के जरिए, जैसे कि सूरज, आपने देखा है सूरज की रोशनी कितनी तेज होती है और उसकी heat कितनी होती है, तो उसके जरिए पानी जो होता है वो heated हो जाता है, गर्म हो जाता है and becomes water vapor. और वो बुखारात के जरिए पानी जो है वो वाटर वेपर बन जाता है, आबी बुखार, बुखारात जिसको हम कहते हैं. आपने देखा होता है सख्त गर्मियां जब होती हैं तो समंदर का पानी कितना गर्म हो जाता है, तो हमें वो वेपर्स नजर नहीं आते, लेकिन वो पानी जो है वो बुखारात के जरिए, बिल्कुल हीट के जरिए, जैसे स्टीम लाइक पानी जो है वो ऊपर चला जाता है, जो कि क्लाउड्स में जमा हो जाता है, फिर क्लाउड्स बन जाते हैं. उसके बाद वही पानी अर्थ पर वापस आता है बारिश की सूरत में, विच फॉर्म्स क्लाउड्स, मॉइस्चर इन द क्लाउड्स फॉल बैक ऑन अर्थ एज रेन एंड स्नो. जैसे कि मैंने आपको बताया, फिर वही पानी जो है समंदर से, दरियाओं से, नदियों से, वो पानी हीट की वजह से वो वेपर हो जाता है, वाटर वेपर बनकर ऊपर जाता है आसमान पर, फिर वो क्लाउड्स बन जाते हैं, फिर वो पानी अर्थ पर वापस किस फॉर्म में आता है? बारिश के जरिए. ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि बारिश का पानी कहाँ से आता है. सो डियर स्टूडेंट्स, ये क्लाउड्स जो है वो इसी से बनते हैं, जो पानी हमारा सीज में, लेक्स में एंड रिवर्स में होता है. रेनबो एंड स्नो आर टू सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ. Some of the rainwater soaks into the ground. Some runs into streams and rivers. River flow into the seas. So, dear students, some of the rainwater soaks into the ground. कुछ
बारिश का जो पानी होता है वो हमारी जमीन पर ही रह जाता है, जो सम रन्स इनटू स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। कुछ पानी हमारा हम दरियाओं की सूरत दरिया से हासिल करते हैं, रिवर फ्लो इनटू द सी, दरिया का पानी सीधा समंदर में जाता है। डियर स्टूडेंट्स, हियर वन थिंग आई वांट टू टेल यू दैट फ्रेश वाटर जो हमारा होता है, जो हम ड्रिंकिंग के लिए यूज करते हैं, वो पानी हम स्नो, रेनबो एंड स्नो दो सोर्सेज हैं जिनसे हम फ्रेश वाटर हासिल करते हैं। हमारा जो पानी हम कुकिंग में ड्रिंकिंग के लिए हम यूज करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, वेयर द वाटर कम फ्रॉम, रिजर्वायर एंड डैम्स आर बिल्ट टू स्टोर रिवर एंड वाटर। दिस वाटर इज टेकिंग बाय कैनाल्स एंड थ्रो पाइप्स टू वेयर इट इज नीडेड। डियर स्टूडेंट्स, आपने देखे होंगे डैम्स, रिजर्वायर्स जो कि बिल्ड किए जाते हैं पानी को स्टोर करने के लिए। तो हम तक जो पानी पहुंचता है वो कैनाल्स के जरिए, पाइप्स के जरिए, रिजर्वायर से, डैम्स से हमारे पास पानी आता है, थ्रो पाइप्स एंड कैनाल्स। इट इज यूज्ड इन होम एंड फैक्ट्रीज, जो पानी घरों में यूज होता है और फैक्ट्रीज में, फॉर फार्मिंग एंड फॉर द अदर पर्पसेस। पानी अदर पर्पसेस में जो हमारा यूज होता है, फैक्ट्रीज में, होम्स में, वो पानी रिजर्वायर एंड डैम से हम हासिल करते हैं। दिस इज हाउ वाटर रीच द टैप इन योर हाउस। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ इस वाटर साइकिल में आप देख सकते हैं कि पानी हमारे टैप्स में किस जरियों से गुजरता हुआ आता है, कौन से मरहलों से पानी गुजरता है, तब जाकर हमारे पास टैप्स में आकर पहुंचता है। तो इसमें आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, क्लाउड्स, देन एवेपोरेशन, देन यू कैन सी डैम्स, फैक्ट्रीज, दिस इज हाउस, दिस इज कैनाल्स एंड पाइप्स। सो डियर स्टूडेंट्स, As I have already told you that where the water comes from, reservoirs and dams, through canals and pipes, into our house and into factories. Something to remember, there is the same amount of water on the earth today as there was when the earth was first formed. Dear students, पानी जितनी अमाउंट में पहले था जमीन पर, जब जमीन जो है अपने फॉर्म में आई थी, अभी भी उतना ही पानी हमारे पास मौजूद है। नेवर वेस्ट वाटर, पानी को हमें जाया नहीं करना चाहिए। व्हेन यू टर्न ऑन अ टैप, डोंट फॉरगेट टू टर्न इट ऑफ अगेन। जब आप टैप ऑन करते हो हैंड वॉश के लिए एंड द अदर पर्पसेस, सो यू हैव टू ऑफ इट आफ्टर वॉशिंग योर हैंड और एनीथिंग एल्स। Do not throw any rubbish into wells, tanks, river or the sea. You will make the water dirty. Dear students, समंदर में, दरियाओं में आपको जो आप rubbish, कचरा वगैरह होता है वो नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे पानी गंदा होगा, क्योंकि यही पानी होता है जो कि हम यूज कर रहे होते हैं। तो अगर हम खुद ही इसको गंदा करेंगे, so it will be harmful for us. Dirty water will harm people and the creatures and plants that live in the water. Dear students, you can get skin disease and plants and animals in the water can die. अगर आप पानी को गंदा करेंगे तो ये पानी हमारे लिए harmful हो सकता है। All the living beings need water. So जितनी भी living beings हैं, वो उनको पानी की जरूरत होती है। तो अगर वो पानी use करेंगी dirty water, तो उनके लिए हार्म होगा, जैसे हमारे प्लांट्स के लिए, हमारे प्लांट्स डेड हो जाएंगे, एनिमल्स सिक हो जाएंगे। कीप ड्रिंकिंग वाटर क्लीन एंड कवर्ड, हमेशा साफ सुथरा और ढका हुआ पानी यूज करें। अगर आप पानी पी रहे हैं तो अगर आपने वहां रख दिया है, ठीक है, दोबारा अगर आप उसको यूज कर रहे हैं तो डोंट यूज इट अगेन, यूज अनदर वाटर। जैसे कि आपने पानी
फिल किया ग्लास में, आपने थोड़ा सा पीकर रख दिया। अब उसके ऊपर बैक्टीरियाज एंड अदर एनिमल्स हमला कर सकते हैं, ठीक है। तो आप वो पानी थ्रो करें एंड देन यूज एन अदर वाटर। ड्रिंकिंग डर्टी वाटर कैन मेक यू वेरी इल। गंदा पानी अगर आप यूज करेंगे तो वो आप बीमार हो सकते हैं, आपके लिए हार्मफुल होगा।